नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर होंगे रवाना। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 साल में पोलैंड और 30 साल में यूक्रेन की होगी पहली यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। ऐतिहासिक MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन डील पर होगा फोकस। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 3 पुलिस अधिकारी निलंबित। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स आज दिल्ली के CBI दफ्तर से स्वास्थ्य मंत्रालय तक करेंगे मार्च। भारत के ह्यूमन रेटेड गगनयान रॉकेट का दिसंबर में होगा पहला परीक्षण। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में इसरो प्रमुख ने अंतरिक्ष मिशन की प्रगति की दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों की बड़ी मुश्किलें। हत्या और अपहरण से जुड़े 9 और मामले दर्ज। और गाजा में संघर्ष विराम पर जोर। मध्यस्थता के लिए कतर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। शांति समझौते पर करेंगे चर्चा। तो ये थी सुबह की सुर्खियां। और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। दरअसल इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का ये पहला दौरा है, जबकि 30 साल में यूक्रेन की पहली यात्रा। और दोनों ही देशों में पीएम मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वारसा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहाँ पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वारसा में मोंटी कैसिनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसिनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5,000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 5,000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है। और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ कोल्हापुर, और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा को लेकर वहां के लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। पोलैंड के सभी मीडिया संस्थानों ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को प्रमुखता से दिखाया है। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक से विशेष बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर आ रहे हैं। पोलैंड की उनकी ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर बात करने के लिए पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, ये जो विजिट है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आ रहा है। वाकई ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने खुद ही देखा होगा या फील किया होगा कि यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। पीएम कल आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। अगर आप देखें कि भारत और पोलैंड के बीच व्यापार जो लंबे समय से हुआ है, और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे, किन किन इश्यूज पर बात हो सकती है, किन किन इश्यूज पर सहमति हो सकती है? पीएम साहब पोलिश इन्वेस्टर से मिलेंगे, उनकी इंटरेस्ट, उनकी जो जिज्ञासा है, उनके जो आइडियाज हैं कि आगे इंडिया में क्या करना है, कैसे करना है, उनसे भी वो वाकफियत लेंगे। और मुझे लगता है कि जो ट्रेड रिलेशंस बढ़ेंगे, एक डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा। और बहुत ही जल्द हम सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। मैं समझती हूँ कि कम्युनिटी के लिए भी और हमारी आर्थिक रिलेशंस के लिए भी इस विजिट का आगे चल के बहुत अच्छा रोल रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की विजिट आप देखें तो किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे, इस पर अगर आप थोड़ा सा बता पाए। जी, प्रधानमंत्री आने के बाद सबसे पहले वो जाएंगे उस मेमोरियल में जो जाम साहब ऑफ नवा नगर जी का जो बहुत बड़ा रोल रहा है पोलिश लोगों के दिलो दिमाग में, जो उन्होंने काम किया उनके लिए, वहाँ अपना श्रद्धांजलि अर्पण करने जाएंगे पीएम। फिर उसके बाद बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो मेमोरियल भी जाएंगे। वहाँ पे ये बैटल्स वो हैं जो इटली में 1940s में अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वहाँ लड़ाई हुई थी, और इंडियन और पोलिश सिपाहियों ने साथ साथ ये जंग लड़ी थी। पीएम के विजिट के दूसरे दिन वो जाएंगे और मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टुस्क से। हमारे पीएम मिलेंगे प्रेसिडेंट आंद्री दूदा से। तो ये थे हमारे साथ एम्बेसडर महोदय, जो बता रही थी कि ये विजिट कितनी महत्वपूर्ण है, क्या सारे विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, और प्रधानमंत्री जो भारत कम्युनिटी यहाँ पर रहती है उन लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, उन लोगों को संबोधित करेंगे। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन संजीव और एन ए शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज पोलैंड। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रह रहे 25,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने यहां रह रहे भारतीय समुदाय से विशेष बातचीत की है। क्या कुछ कहना है पीएम की इस यात्रा को लेकर उन लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और पोलैंड में उनके दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोग जो पोलैंड में रहते हैं वो कितने खुश हैं, इनके नारे ये बता रहे हैं कि भारत माता की जय, और प्रधानमंत्री का लगातार ये लोग नाम ले रहे हैं। और इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से एक नई जान भारत और पोलैंड के रिश्तों में आएगी, और इसके साथ साथ जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं पोलैंड आप लोगों के बीच में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, और हम उनसे कल जाके मिलेंगे और उनसे यही कहेंगे कि आगे भी 20-30 साल तक इंडिया में और रहें, और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कल पीएम से मुलाकात होगी आप लोगों की, आप जाएंगे एज ए यूथ, आप कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा को? बहुत अच्छा है कि वो यहाँ आ रहे हैं, काफी लॉन्ग टाइम के बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 40 इयर्स वो यहाँ पर नहीं आए थे बिटवीन, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहे थे इंडिया के। तो ये एक अमेरिटी भी अच्छा है कि हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो बिजनेस को मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा काफी गर्व महसूस होता है, हम काफी खुश हैं मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, एंड वी होप दैट देयर विल बी सम न्यू अमेंडमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, सो वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर हिज अराइवल्स, वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम हियर।
प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोग स्वागत कैसे करेंगे? दिल से, मैं तो यही चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो है उनका पोलैंड में बहुत बहुत स्वागत है, और जिस तरह से उन्होंने अपने दिल में भारतीय वासियों के दिल में जो जगह बना रखी है वो हमेशा इस तरह से बरकरार रहे, और ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं यही चाहता हूं कि वही प्रधानमंत्री बने और वही अपनी सीट पे हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है, और इनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों को लगातार करते रहें, ताकि देश दुनिया में भारत का नाम गर्व से लिया जा सके, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें और भारत के प्रधानमंत्री बने। कैमरामैन एन ए शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज पोलैंड। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगी। ये यात्रा रक्षा अधिग्रहण परिषद में हुई संशोधनों के साथ साथ भारत अमेरिका के बीच MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन डील के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। इस यात्रा में लंबे समय से इंतजार कर रहे इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस पर भी बात की जाएगी। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को अमेरिका के पेंटागन में अपने समकक्ष लॉर्ड ऑस्टिन के साथ बातचीत भी करेंगे, और इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और आपसी रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं DAC द्वारा स्वदेशी कर के प्रतिशत में संशोधन को मंजूरी दिए जाने पर भी बात होगी। इसके साथ ही 2022 में क्वाड देशों द्वारा की गई घोषणा पर भी बात की जाएगी। भारतीय नौसेना उपग्रह के माध्यम से इंडो पैसिफिक में पारदर्शिता के लिए हॉक आई 360 वाणिज्यिक ऑपरेटर के साथ गठजोड़ को लेकर भी घोषणा की गई थी। और चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे अब झारखंड की, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और GMM नेता चंपाई सोरेन इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल उनके अगले सियासी कदम पर हर किसी की नजर है। इस बीच जब वो दिल्ली से अपने गृहनगर सरायकेला खरसावां पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एक सवाल के जवाब में चंपाई सोरेन ने कहा कि वो अपने पहले के बयान पर कायम हैं, हालांकि वो संन्यास लेने के विकल्प से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि वो नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी दल के साथ हाथ मिलाएंगे। 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद संभाला था, लेकिन हेमंत सोरेन जब जमानत पर बाहर आए तो चंपाई को 3 जुलाई को CM पद छोड़ना पड़ा। हम तो 3 जुलाई को ही हम आपने बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। नया अध्याय में हमारा 3 को प्रमुख हमने रखे हैं। आप सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन ये हमारा समर्थक निश्चित तौर पे लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है, प्यार इनका प्यार है, इसलिए शायद उस चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा। उसके साथ साथ देखेंगे हाउस कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। और वहीं कोलकाता पुलिस ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ के मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसमें 2 सहायक पुलिस आयुक्त और 1 इंस्पेक्टर भी शामिल है। तीनों अधिकारी उस दिन अस्पताल में ड्यूटी पर थे। तोड़फोड़ की घटना तब हुई जब महिलाओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरे और उसी अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की, जो इस जघन्य बलात्कार और हत्या की शिकार बनी थी। इस घटना के बाद शिकायतें भी सामने आई कि तोड़फोड़ जानबूझकर की गई थी ताकि स्वतः स्फूर्त विरोध से ध्यान भटकाया जा सके। शहर के पुलिस अधिकारियों ने तीनों अधिकारियों को निलंबित करने का फैसला ऐसे समय पर लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ से निपटने में पुलिस की भूमिका पर गंभीर और तमाम सवाल उठाए थे। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। दरअसल कोलकाता के बाद महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना से पूरा देश गुस्से में है। इसका असर कल बदलापुर रेलवे स्टेशन पर दिखाई भी दिया, जब यहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दी। हालांकि अब ट्रेन सर्विस बहाल हो चुकी है।
इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आईजी लेवल की महिला अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में जल्द जांच पूरी हो ताकि चार्जशीट दाखिल की जा सके। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम सरकार की तरफ से मुकदमा भी लड़ेंगे। फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई होगी जो 3 महीने में अपना फैसला देगी। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को भी सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर देर से दर्ज किए जाने के कारण 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास हो। और वहीं देश में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इस वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। आईसीएमआर के 32 लैब में जांच की सुविधा और दिल्ली के 3 अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही केंद्र ने राज्यों से भी बात की है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। क्या कुछ कहना है उनका इस मामले को लेकर आपको सुनाते हैं। एमपॉक्स को लेकर भारत में क्या कुछ तैयार है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीजीएचएस डॉक्टर अतुल गोयल हैं। सर, भारत किस तरीके से तैयार है इससे निपटने के लिए? भारत हर तरीके से इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार है। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से बात करी है। केंद्रीय सरकार ने अपने पॉइंट्स ऑफ एंट्री को अलर्ट कर दिया गया है और किसी कोई भी पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट करे तो उनको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में आइसोलेट कर दिया जाए। कौन कौन से अस्पताल हैं जहां पर आइसोलेशन का वार्ड बना? दिल्ली में 3 अस्पतालों में केंद्र सरकार के आइसोलेशन वार्ड बन गया है, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और आरएमएल हॉस्पिटल में। नोडल ऑफिसर्स भी डेजिग्नेट हो गए हैं। स्टेट्स को पिछले संडे हमने अलर्ट किया है डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स बनाने को। कैसे फैलता है ये बीमारी? जनरली क्लोज स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। क्लोज स्किन कॉन्टैक्ट जनरली उनका होता है जो कि तीमारदारी करते हैं इन पेशेंट्स की, तो हेल्थ केयर वर्कर्स में हो सकता है, क्लोज रिलेटिव्स में हो सकता है। सिम्टम क्या है? सिम्टम्स आमतौर पे इनिशियली 2-3 दिन बुखार होता है जिसके बाद स्किन के ऊपर रैश डेवलप होता है और ये रैश हाथों पे, फेस के ऊपर और जेनिटल एरियाज में होता है और रैश पानी भरे हुए वेसिकल्स बनते हैं बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है चिकन पॉक्स में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट नहीं होता जो इसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है। लोगों को क्या आप एडवाइस करेंगे, क्या उनको सलाह देंगे? शांत रहें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे केसेस अगर आएंगे, जो कि आ सकते हैं क्योंकि आजकल इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत होता है, हम लोग ध्यान रखेंगे और समय समय पर अलर्ट करते रहेंगे। कोई ट्रीटमेंट वगैरह? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल वगैरह लिया जाएगा, बेड रेस्ट करना है, फ्लूइड्स बहुत लेने हैं, पौष्टिक भोजन लेना है। अगर इन्फेक्शंस होते हैं सेकेंडरी जो कि हो सकते हैं तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाएगा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। टेस्ट के लिए क्या आरटीपीसीआर या लैब? आरटीपीसीआर इज़ द बेस्ट टेस्ट और वो टेस्ट जो है वो आमतौर पे वेसिकल से फ्लूइड, जो स्किन रैश होता है उसके फ्लूइड्स में किया जाता है और आईसीएमआर के 32 लैब्स डिजिग्नेट हुए हैं और वो टेस्ट करने के लिए रेडी हैं पूरे देश भर में। तो भारत में अभी तक एमपॉक्स का कोई भी केस नहीं है और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, आप भी सावधान रहें, अगर कोई केस आता है तो जरूर रिपोर्ट करें। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि त्रिपुरा में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लापता हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्य के राजस्व सचिव ब्रजेश पांडे ने कहा कि पिछले 48 घंटों में राज्य भर में भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ का पानी तटबंधों और निचले इलाकों के घरों में भी घुस गया। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया गया और बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए कदम भी उठाए गए। राज्य सरकार ने राज्य भर में 183
राहत शिविर स्थापित किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक टोटल स्टेट में 183 रिलीफ कैंप्स खोल दिए हैं, जिसमें 5607 अफेक्टेड फैमिलीज को रखा गया है और उनको जो भी सुविधाएं जरूरत है, जैसे फूड है, शेल्टर है और मेडिकल सुविधाएं, वो सब दी जा रही हैं। इसमें एक बोलूँगा, चूँकि हैवी एंड एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से बहुत जगह लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड इस बार बहुत ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से कुछ फैमिलीज़ भी, मतलब कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं। रास्ते बहुत सारे रास्ते ब्लॉक हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, खासकर PWD की टीम और HIDCL की टीम, उनको रास्तों को क्लियर करती जा रही। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर 7 मतलब पर्संस हैव लॉस्ट देयर लाइफ, 7 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से खोई में 1 है, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 5 हैं, गोमती में 1 है। इसके साथ 2 पर्सन जो है रिपोर्टेडली मिसिंग है, 1 खोई में है और 1 गोमती डिस्ट्रिक्ट में है। और आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां बांग्लादेश की अब्दस्त पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ कम से कम 9 और शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ अब कुल 31 केस हो चुके हैं। इसमें 26 हत्या के आरोप, 4 मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के साथ ही 1 आरोप अपहरण का भी इसमें शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील ने हसीना और 23 अन्य पर 5 मई 2013 को मोती झील के शपला चत्तर में हिफ्जत ए इस्लाम रैली के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार करने का आरोप लगाया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा संघर्ष विराम समझौते को आने वाले दिनों में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका, मिस्र और कतर इस समझौते के लिए हमास को मनाने के लिए हर कोशिश करेंगे। ब्लिंकन ने दोहा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमास अगर अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संघर्ष विराम पर सहमत हो जाता है तो इसे लागू करने पर भी सहमति ली जाएगी। साथ ही ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से कहता रहा है कि वो इसराइल द्वारा गाजा पर दीर्घकालिक कब्जे को स्वीकार नहीं करता है। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनार पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 17 से 25 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में SKICC में चल रहे 9 दिवसीय चुनार पुस्तक महोत्सव में देश भर के फिल्मकार, पत्रकार, कलाकार, लेखक, कवियों ने शिरकत की है। साहित्य और फिल्मों में कश्मीर को इसकी सुंदरता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। चुनार टॉक्स में आयोजित एक चर्चा में कश्मीर सरकार की नई फिल्म नीति पर भी बात हुई। बाल मनोविज्ञान को समझकर उनके लिए किस तरह की रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ, इन सब की कोशिश भी चुनार पुस्तक महोत्सव में की जा रही है। चुनार पुस्तक महोत्सव में बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के बारे में भी बताया गया। यह अपनी तरह का पहला ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों और युवाओं को पढ़ने के लिए निःशुल्क ई पुस्तकें मिलती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा का कजरी मेला अपनी भव्यता के लिए पूरे उत्तर भारत में जाना जाता है और इस मेले की शुरुआत रक्षाबंधन के दूसरे दिन से होती है। ये मेला बुंदेलखंड के गौरवपूर्ण इतिहास को याद करने के लिए मनाया जाता है। महोबा वासी मेले को विजय पर्व के रूप में भी मनाते हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 12वीं शताब्दी के गौरवशाली चंदेल साम्राज्य के वैभवपूर्ण अतीत की स्मृतियों को सजोए उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन और विशाल महोबा का कजली मेला मंगलवार से प्रारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में होने वाली 883वीं कजली मेले का उद्घाटन संयुक्त रूप से सदर विधायक, MLC, DM और SP ने किया। इस मौके पर अन्य जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। महोबा के नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी अतिथियों का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं जनपद की महिलाएं सिर पर सजे हुए घड़े रखकर कजरी के मेले की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देखी गईं। कजली मेला ऐतिहासिक मेला है, उत्तर भारत का सर्वप्रसिद्ध मेला है जिसमें लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। नगर पालिका द्वारा बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की गई है। वीरभूमि महोबा में कजली मेला विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। महोबा में रक्षाबंधन के अगले दिन राखी बांधने की ऐतिहासिक परंपरा है। इसमें यहाँ के शूरवीर आलाउदल की वीरता को याद कर रक्षाबंधन पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1182 ईस्वी में चंदेलों और पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच सावन की पूर्णिमा के दिन कीरत सागर के किनारे युद्ध हुआ था।
इसमें महोबा के चंदेल शासक के सेनापति वीर अलाउद्दल ने अपने शौर्य और पराक्रम से दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना को खदेड़ दिया। इसके बाद यहाँ राखी का पर्व मनाया गया। यही वजह है कि इसी विजय पर्व की याद में यहाँ एक दिन बाद बहने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं। हमारे यहाँ का बड़ा ऐतिहासिक महोत्सव है, पिछले 862 साल से हम मनाते चले आ रहे हैं। जिस दिन ये कजली मेला होता है उस दिन हमने विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान की सेना पर। आज के दिन हम लोगों को अपनी वीरता की जो पुरानी गाथाएं हैं उनको याद करके रोमांचित हो जाते हैं, और इस अवसर पर मैं अपने जनपद के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कजली मेला के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। इस भव्य मेले का आयोजन सफल रूप से कराने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तत्पर दिखा। लोगों को मेले के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए प्रशासन ने पूरे बंदोबस्त किए। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। मेले को 2 जोन और 7 सेक्टर्स में बांटा गया, साथ ही 2 कंपनियां PSC की लगाई गयी। मेले के अंदर ही एक थाना भी बनाया गया है। मेले में हमने 2 जोन में इसको डिवाइड किया हुआ है, साथ ही इनर और आउटर कॉर्डन बनाए हैं। इसको जो है हम लोगों ने 7 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, साथ ही इसके अंदर जो है 2 कंपनी PSC हमको दी गई है जिसको कि हम लोग यूज कर रहे हैं। बुंदेलखंड के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, इसको सभी हर्षोल्लास से बनाएं और ये देखें कि आपके आपके हर्षोल्लास से किसी को कोई असुविधा ना होने पाए। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में पारंपरिक लोक नृत्य के साथ लोगों को मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महोबा का ये कजली महोत्सव सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इस मेले की खासियत शोभा यात्रा होती है, इसमें अलाउद्दल और उनके गुरु ताला सैयद को याद किया जाता है। शहर के हवेली दरवाजे से शुरू हुई शोभा यात्रा में लाखों की भीड़ देखने को मिली। इस शोभा यात्रा में हाथी पर सवार आल्हा और घोड़े पर बैठे उद्दल सहित आल्हा खंड में लिखे सभी इतिहास के पात्रों की झांकियां भी देखने के लिए लोगों की भीड़ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़।